हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हम अक्सर अपने चैनल पे मिस्टीरियस फैक्ट्स और हॉरर मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जिन मूवीज़ के बारे में बातें करते हैं वो या तो हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड मूवीज़ होती है। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं कुछ रीजनल मूवीज़ या फिर रीजनल मिस्टीरियस कॉन्टेंट पर भी फोकस करूँगा, और उसके लिए मेरे दिमाग में एक सॉलिड प्लान है जिसके बारे में आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आज हम एक मराठी हॉरर मूवी के बारे में बातें करने जा रहे हैं जिसका नाम है सविता दामोदर पारंजपे। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 6 stars out of 10, लेकिन ध्यान रहे कि ये रेटिंग मात्र 160 लोगों के द्वारा वोट की गई है। मैंने इस फिल्म को हाल में ही नेटफ्लिक्स पे देखा और आज इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की स्टोरी शॉर्ट में बताऊंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर से एक फेमस नॉवेलिस्ट मिस्टर शरद और उनकी ब्यूटीफुल वाइफ कुसुम के बारे में जानते हैं। ये परिवार फिनेंशियली और करियर वाइज काफ़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन इन्हें कोई भी बच्चा नहीं था। मिस्टर शरद को उनके सोसाइटी वाले काफ़ी सम्मान देते हैं और लोग उनको आदर देने के लिए ओल्ड कॉलोनी में कुछ सेरेमनी भी रखवाते हैं। यहाँ हम व्यूअर शरद को एक कमरे का रेंट पे करते देखते हैं जिस कमरे में कोई नहीं रह रहा था। तो इस सेरेमनी को अटेंड करने के बाद घर वापस आते वक्त कुसुम को पेट में बहुत ही तेज़ दर्द होता है और वो जोरों जोर से चिल्लाने लगती है। घर पे तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को बुलाया जाता है और इस सीन में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कुसुम को इस पेट दर्द की बीमारी तकरीबन 8 साल से है और इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं हो सका है। यहाँ सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि डॉक्टर के मुताबिक कुसुम की फिजिकल कंडीशंस एकदम नॉर्मल थी और ये दर्द किसी तरह की मेंटल इलनेस भी हो सकती थी। तो इस घटना के अगले दिन शरद और कुसुम की वेडिंग एनिवर्सरी थी और वो दोनों मिलकर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेशन के दौरान शरद कुसुम का परिचय अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव से करवाता है जिसका नाम अशोक था। इस सीन में हम व्यूअर्स गौर कर पाते हैं कि कुसुम और अशोक के बीच थोड़ा टेंशन भरा माहौल था, विच वॉज नॉट नॉर्मल। अशोक ने पामिस्ट्री सीख रखी थी और शरद के कहने पर कुसुम अशोक से अपना पाम रीड करवाने के लिए तैयार हो जाती है, इवन दो शी डज नॉट बिलीव इन सच थिंग्स। तो इसके ठीक बाद अशोक शरद के घर आता है और वो कुसुम का पाम रीड करने की कोशिश करता है। कुसुम के हाथ में एक ब्लैक मार्क था और अशोक इस ब्लैक मार्क के बारे में कुसुम से पूछता है। कुसुम का कहना था कि ये मार्क उसके हथेली पे पहले नहीं थी और ये बात सुनते ही अशोक कुसुम पे चिल्लाते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। अशोक कुसुम का हाथ पकड़ लेता है और वो कुसुम से फोर्सफुली बार बार पूछता है कि आखिर वो कौन है। कुसुम बोलती है कि उसके पेट में दर्द है और वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली जाती है। अशोक और शरद कुसुम के पीछे दौड़ते हैं और काफी फोर्स करने के बाद हम अचानक कुसुम को ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं, जहां वो अपना मंगलसूत्र निकालकर फेंकती है और वो खुद को सविता दामोदर पारंजपे बताती है। जी हाँ दोस्तों, कुसुम का शरीर सविता नाम के औरत की घोस्ट द्वारा पजेस्ड था और सविता इस दुनिया में कुसुम के जीवन को बर्बाद करने आई थी। इस घटना के ठीक बाद कुसुम एकदम से बेहोश हो जाती है और शरद फौरन ही फैमिली डॉक्टर को घर बुलाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ यूजुअल ड्रामा होता है जहाँ अशोक का कहना था कि कुसुम पजेस्ड है और फैमिली डॉक्टर इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोल रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शरद को सविता दामोदर पारंजपे से जुड़ी वो सारी डिटेल्स देनी होगी जो उसे पता है, ताकि डॉक्टर इस कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके एनालाइज कर सके। तो यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स एक वीणा वादक गायक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सविता था और सविता शरद की अच्छी दोस्त थी। ये दोनों काफ़ी क्लोज थे और सविता तो शरद से प्यार भी करती थी, लेकिन शरद इन एडवांसमेंट्स को लेकर इतना सीरियस नहीं था। तो एक दिन सविता शरद को अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती है एंड शी वॉज नन अदर देन कुसुम। कुसुम को देखते ही शरद को लव एट फर्स्ट साइट होता है और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप डेवलप होने लगती है।
कुछ ही सालों के बाद शरद कुसुम से काफी क्लोज हो गया था और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। शरद अपनी शादी की गुड न्यूज सविता के साथ शेयर करता है और इस बात को सुनकर सविता बिल्कुल टूट सी जाती है। इतना ही नहीं, शरद और कुसुम के शादी के दिन सविता खुद को जलाकर आत्महत्या भी कर लेती है। इस कहानी को सुनकर डॉक्टर शरद से पूछते हैं कि इफ ही लव्ड सविता, तो इस पे शरद का कहना था कि उसे नहीं पता, लेकिन अगर कुसुम उसकी जिंदगी में नहीं आई होती तो वो शायद सविता से ही शादी कर लेता। और हाँ, शरद आज तक सविता के रूम का रेंट पे कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में सविता के मौत को लेकर गिल्ट फीलिंग थी। इन बातों पे डॉक्टर का कहना था कि सविता के मौत की गिल्ट ने शरद को कभी भी कुसुम से क्लोज होने का मौका नहीं दिया और इस वजह से इन दोनों की सेक्सुअल लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं चल रही थी। यही वजह है कि कुसुम के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो ऐसे पागलों जैसा बिहेव करती है। मीनवाइल हम व्यूअर्स कुसुम को देखते हैं जो कि एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, मानो उसे कुछ याद ही नहीं है। तो शरद, डॉक्टर और अशोक आपस में इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अचानक वहाँ कुसुम आती है और वो अपना मंगल सूत्र शरद के मुंह पे फेंकती है। कुसुम वापस सविता द्वारा पजेस्ट स्टेट में थी और वो चाकू लेकर कुसुम के पेट वाले बच्चे को काट डालने की धमकी देती है। यहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि कुसुम वॉज नॉट प्रेग्नेंट और शायद यही वजह है कि कुसुम को हमेशा पेट दर्द होता था क्योंकि सविता उसे हमेशा दर्द देकर मेक श्योर करती थी कि कुसुम को कभी बच्चा हो ही ना सके। इन घटनाओं के दौरान कुसुम अशोक पे भी अटैक करती है और अचानक से वो वापस बेहोश हो जाती है। इन चीजों को सामने से देखने के बाद भी डॉक्टर का कहना था कि दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और कुसुम ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए। तो इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम व्यूअर्स अक्सर कुसुम पे सविता की आत्मा को हावी होते देखते हैं। शरद इस बात से काफी फ्रस्ट्रेटेड था और साइड में हम व्यूअर्स अशोक को नीतू नामक लड़की की तरफ अट्रैक्टेड देखते हैं जो कि शरद की बहन थी। दिन प्रतिदिन सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही थी और अशोक शरद से उसकी पास्ट के बारे में और बातें पूछता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शरद के शादी के एक दिन पहले सविता उसके कमरे में आई थी और वो जबरदस्ती उससे किस करने की कोशिश करती है। शरद ऑल्सो किसेस बैक और उसके बाद सविता शरद को मंगलसूत्र पहनाने को कहती है। इस बात पे शरद एकदम भड़क जाता है और वो मंगलसूत्र को फेंकते हुए ये बोलता है कि सविता वाइफ मटेरियल नहीं है एंड शी इज़ ओनली अ गुड फ्रेंड। शायद यही वजह है कि आज सविता की आत्मा बार बार कुसुम के शरीर से मंगलसूत्र निकालकर फेंकती रहती है। तो इसके अगले दिन शरद अपने काम से बाहर जाते हैं और अशोक घर में कुसुम का ख्याल रखने के लिए रुकता है। अशोक कुसुम को अपना मंगलसूत्र उतारने से सख्त मना करता है और उसकी बातों को सुनकर कुसुम को वापस पेट दर्द होने लगता है। इसके ठीक बाद कुसुम वापस सविता के रूप में आती है और अशोक सविता की आत्मा से पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए। सविता बोलती है कि उसे अशोक चाहिए ताकि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा कर सके। ऐसा करने के पीछे का मकसद ये था कि सविता कुसुम के शरीर को करप्ट करना चाहती थी क्योंकि शरद ने सविता को वाइफ मटेरियल नहीं बोला था और अब वो कुसुम के शरीर को करप्ट करके उसे भी नॉट ए वाइफ मटेरियल बनाना चाहती थी। इन बातों को सुनकर अशोक वॉज डीपली हर्ट और वो फौरन इस घर से और इस शहर से दूर चला जाता है। तो इसके बाद शरद वापस घर आते हैं और वो अशोक को अचानक से गायब देखकर चिंता में थे। शरद फौरन ही अशोक से शहर के बाहर मिलते हैं और वो अशोक से उसके घर छोड़कर जाने की वजह पूछते हैं। अशोक शरद को सारी बातें बताता है और ये सब सुनकर शरद अशोक को थप्पड़ मारते हैं। शरद को ऐसा लगता है कि अशोक उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और इसीलिए वो ये सब झूठी कहानी बना रहा है। शरद के हिसाब से अशोक इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ कुसुम्स मेंटल इलनेस। शरद अशोक को दोबारा कभी ना बोलने को मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। तो घर वापस आने के बाद कुसुम वापस से सविता के अवतार में आती है और वो अपनी अशोक के साथ सोने के डिजायर्स के बारे में वापस बोलती है। इन बातों को सुनकर शरद वॉज डीपली हर्ट और वो खुद को कुसुम से दूर कर लेते हैं। वो कुसुम को एक आश्रम में ले जाते हैं जहाँ ये दोनों कुछ समय रहते हैं और आश्रम के गुरु का कहना था कि अब सविता ने कुसुम के शरीर को छोड़ दिया है। शरद और कुसुम खुशी खुशी घर वापस आते हैं लेकिन उनके वापस आते ही सविता वापस से कुसुम को पजेस करके अपनी माँ पे ही अटैक कर देती है। हार मानकर शरद अशोक को अपने घर बुलाते हैं ताकि सविता को वो मिल सके जो उसे चाहिए था, लेकिन अशोक ऐसा करने के लिए राजी नहीं होता है और वो शरद को एकदम डिनाई करता है।
तो इस घटना के कुछ दिनों बाद कुसुम गलती से वो रिकॉर्डिंग सुन लेती है जिसमें शरद, अशोक और डॉक्टर ने कुसुम के मेंटल स्टेट के बारे में बातें करी थी, और कुसुम इस रिकॉर्डिंग को सुनकर समझ जाती है कि शी इज पजेस्ड बाय सविता। अब हालांकि कुसुम को अब तक ये नहीं पता था कि सविता को उससे क्या चाहिए, लेकिन एटलीस्ट नाउ शी न्यू कि वो बीमार नहीं बल्कि पजेस्ड है। मीनवाइल अशोक वहां आता है और वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करके सविता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गया था। इस सीन में कुसुम को पता चल जाता है कि सविता को अशोक चाहिए ताकि वो कुसुम की बॉडी को करप्ट कर सके, और ये सब सुनकर कुसुम वाज सो डिवास्टेटेड कि वो घर से बाहर भाग जाती है। कुसुम डिसाइड्स कि वो खुद से सविता को कन्फ्रंट करेगी, और इसीलिए वो ओल्ड कॉलोनी में सविता के कमरे में जाती है। कुसुम सविता से कहती है कि वो अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर देती अगर सविता ने उसे शरद को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में पहले बताया होता। कुसुम सविता को काफ़ी कन्विंस करती है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे, लेकिन हम व्यूअर्स क्लियर देख पाते हैं कि सविता की स्पिरिट वॉज वेंजफुल एंड ईविल। इन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करने के लिए कुसुम डिसाइड्स कि वो खुद को ठीक उसी प्रकार जलाकर मार डालेगी जिस प्रकार सविता ने खुद को मारा था। मीनवाइल शरद, अशोक, डॉक्टर और नीतू कुसुम को खोजते हुए सविता के कमरे पे आते हैं, और वो लोग कुसुम को खुद को जलाने से रोकते हैं। इस सीन में शरद फाइनली सविता के लव को एक्सेप्ट करता है, और वो बोलता है कि नो मैटर व्हाट, सविता उससे और कुसुम को अलग नहीं कर सकती क्योंकि वो कुसुम से प्यार करता है। शरद सविता को कुसुम के शरीर को छोड़ने बोलता है, और ऐसा करते ही कुसुम एकदम से बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद कुसुम एकदम ठीक हो गई थी, और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सविता ने कुसुम के शरीर को छोड़ दिया है। एवरीवन वाज हैप्पी, लेकिन शरद का कहना था कि सविता इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ठीक उसी समय हम व्यूअर सविता को वीणा बजाते हुए गाते सुनते हैं, और अब उसने शरद की बहन नीतू के शरीर को अपना लिया था, विच मीन्स द ईविल इज स्टिल प्रेजेंट। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सविता दामोदर पारंजपे मूवी की कहानी, और मुझे पर्सनली ये फिल्म ठीक ठाक लगी। अब हालांकि मूवी काफ़ी स्लो है, लेकिन आप अपने फ्री टाइम में से एक बार ज़रूर देख सकते हैं। पात्रों की एक्टिंग नॉर्मल है और स्टोरी भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस फिल्म की एंडिंग को और भी रोमांचक बनाया जा सकता था। मैंने इस फिल्म को मराठी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ नेटफ्लिक्स पे देखा है, और अगर आप चाहें तो आप भी इस फिल्म को वहां से देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में मूवी को लेकर कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और अपने डाउट्स मुझसे वहां पूछ लीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।